भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। साउथ एशिया में अप्रैल के शुरुआती दिनों से ही भारत और पाकिस्तान में लोग 40-50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में जानलेवा गर्म हवा की लहर यानी हीट वेव तैयार हो रही है। साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इस समय साउथ एशियन रीजन में आम जनता कोशिश कर रही है रहने की कोल, क्योंकि पूरे रीजन में इशू हुई है हीट वार्निंग। यहाँ याद रहे कि ये गर्म तरीन मार्च है 61 ईयर्स में, जिसके दौरान इंटेंस हीट वेव कोई साइंस नहीं दे रही खत्म होने के। पाकिस्तान के सदर्न सिंध प्रोविंस के शहर लाड़काना में टेम्परेचर रीच कर गया है 47 डिग्रीज तक। अभी हम शॉपिंग करने के लिए रेशम गली आए, मगर यहाँ भी देख रहे हैं इतनी गर्मी है, दिल कह रहा है वापस चले जाएं। रात के टाइम भी आए थे, रात के टाइम भी लाइट नहीं है, बड़ी मुश्किल में फंस गए। बाहर देखो तो बाहर पंछी की भी आँख निकल रही है। दूसरी तरफ मजदूर ढाका में भी स्ट्रगल कर रहे हैं स्कॉर्चिंग टेम्परेचर्स के साथ, जबकि न्यू दिल्ली में स्मोक निकल रही है हिल साइज लैंडफिल साइट से स्प्यू करते हुए टॉक्सिक स्मोक ऑलरेडी गर्म हवा में। यहाँ आदमी बीमार पड़ते हैं इसके धुआं के चक्कर में, आग लगते हैं, धुआं फैलते हैं, पूरा फैल जाता है पूरे। अभी देखो पूरी कॉलोनी यहाँ सब बुराड़ी तक पूरा धुआं फैला हुआ है पूरी दिल्ली में इसके धुआं। रेजिडेंट्स जो के रहते हैं भलसवा लैंडफिल साइट के करीब परेशान हैं थिक स्मोक से, जो के बढ़ा रही है गर्मी एरिया में। बहुत ज्यादा परेशानी है और परेशानी का सांस लेने में परेशानी, दुनिया भर की दबदारी हो रही है, कोई भी फर्क नहीं आ रहा जब से यहाँ पर आग लगी है। इस मौसम में खासकर शामिल हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन और फार्म लेबर्स और मजदूर, और वहाँ आम जनता जो के काम करते हैं फैक्ट्री शॉप फ्लोर्स पर। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बांग्लादेश में भी वार्न किया है मजदूरों को कि अब काम करें बाहर तो कवर कर लें अपना सर, जिसके साथ जनता को कहा गया है कि बढ़ा दें अपना पानी का इंटेक। सकाल तक रिक्शा चलाची एम गरम गरम अस्थिर होता है, बस हाथ पाक होते जीते। कई डेकेड्स के बाद पाकिस्तान में विंटर से सीधा समर आया है स्प्रिंग सीजन के बगैर। कोशिश कर रहे हैं कि धूप में जो है कम से कम जाएं, और बच्चों को तो स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, उनको तो बाहर निकलने नहीं दे रहे और ठंडी जगह पर ही रह रहे हैं सब। अब ये जो दिहाड़ीदार तबका है या जो लोग बाहर लिखने, इनके लिए मुश्किल है, बाकी जो ऑफिस में हम जैसे लोग हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सावधान कर दिया है आम जनता को राइजिंग फायर रिस्क से पूरे देश में। न्यू दिल्ली में टेम्परेचर सोर कर गए हैं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा। लुकिंग एट द हॉट वेदर कंडीशन वी हैव इश्यूड हीट वेव वार्निंग फॉर अराउंड 11 डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ इंटीरियर ओडिशा एक्सेप्ट ढेंकानाल एंड इन साउथ इंटीरियर ओडिशा वी हैव इश्यूड ऑल्सो फॉर 3 डिस्ट्रिक्ट्स। जबकि संडे के लिए फोरकास्ट किया जा रहा है टेम्परेचर और ज़्यादा करीब 44 डिग्री सेल्सियस। हमें ही मिल रहा है रिटर्न गिफ्ट नेचर से, क्योंकि ह्यूमंस ने इतना ख़राब कर दिया। मुझे लगता है हमने इतने इतने एसीज, इतनी इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, मुझे लगता है उस वजह से काफ़ी गर्मी जो है आ रही है, और आने वाले आगे टाइम में हमें यही देखने को मिलेगा। सन स्ट्रोक्स के कारण कई हज़ार लोगों की जानें खतरे में हैं। और ये जो सारा इलाका है ये ऑरेंज वार्निंग में है, जैसे राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सारा ऑरेंज वार्निंग है। साइंटिस्ट ने वार्न किया था इस अर्ली ऑनसेट ऑफ इंटेंस समर के बारे में क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के साथ लिंक करते हुए। इस समय 1 बिलियन से ज्यादा लोग पूरे रीजन में रिस्क पर हैं हीट रिलेटेड इंपैक्ट के। रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम एनटीवी ह्यूस्टन।